थाना क्षेत्र में एक नराधम ने अपने ही दोस्त की 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना से गुस्साए पिता ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने तालिब कमाल खालिद अंसारी 53 वर्षीय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तालिब मजदूरी करता है, पीड़ित बच्ची के पिता भी मजदूरी करते हैं, इसलिए दोनों की ही अच्छी दोस्ती थी। तालिब का पीड़िता के घर पर भी आना जाना था। शनिवार की रात तालिब पीड़िता के घर पर गया, घूमने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। वहां उसने बच्ची पर अत्याचार किया। माता पिता को कुछ बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी थी। रात 11 बजे के दौरान बच्ची अपने घर लौट आई। रविवार के सुबह मां को उसके बर्ताव में बदलाव दिखाई दिया। बेटे की पीड़ा देख मां को संदेह हुआ। विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपनी आपबीती सुनाई, तालिब द्वारा अत्याचार किए जाने की जानकारी दी। बेटी की बात सुनकर पिता आग बबूला हो गए। माता पिता तालिब के घर पहुंचे, गुस्साए पिता ने लाठी से तालिब की जमकर धुनाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही 5 पावली पुलिस मौके पर पहुंची। त्याच्यात आरोपीला विचारपूस केली तर त्याले पण आरोपीला मारहाण झालेली होती। पीडित मुलीचे वडील आहे ते त्यांच्याकडे जाऊन थोडा त्यांच्यात आपसात हे वादावादी झाल्यामुळे त्याला पण मार लागलेला होता। त्याच्यात आरोपीची पण कंप्लेंट घेण्यात आलेली आहे, कारण त्याला फ्रॅक्चर होता। त्याच्यात 325 गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि जी पीडित मुलगी होती त्याची आईचं कंप्लेंटनं जो आरोपी आहे तो 53 वर्षाचा आहे त्याच्यावर आम्ही 376, 377 आणि पोक्सोचे जे ॲक्ट आहे ते लावण्यात आलेले आहे आणि जे वैद्यकीय सॅम्पल वगैरे होते ते सर्व कलेक्ट करण्यात आलेलं आहे आणि काल रात्री दुकान गुन्हा दाखल झालेला आहे। आता आरोपीला PCRला घेऊन गेलेले आहेत, पुढील तपास सुरू। जे पीडिताचे जे वडील आहे आणि जो आरोपी आहे हे जे लेबर वर्क असतात TA मध्ये जे चौकामध्ये त्याच्यात ते लोक काम करतात त्यामुळे त्यांची ओळखी होती। आपको बता दें कि पुलिस ने तालिब के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2015 में भी पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।